सबसे पहले परमेश्वर संसार के बनल है। परमेश्वर आकाश और धरती के बनल है। जो कुछ ओकरा में है उस सबके बनल है। तब हम देखेले कि परमेश्वर कथी कथी बनल है। तब हम हैरान रह जाए। जती जती परमेश्वर ने बनल है उ सब अच्छा रहे। हर चीज ओकर भलाई और शक्ति के देखल। परमेश्वर ने अलग अलग तरह के पेड़ पौधा और जानवर बनल। तब परमेश्वर माटी के लेल फिर आदमी के बनल और ओकर नाक में जीवन के सांस फूक दिल। पहला आदमी आदम कहल। तब परमेश्वर ने आदम के पसली निकाल और उससे महिला को आदम के मेरारू और साथ रहे लगी बनल। ओकर नाम हवा रखल। परमेश्वर अपना कुछ गुण के साथ मर्द और औरत के बनल ताकि दोनों परमेश्वर के साथ पक्का संबंध बना के रहते। ये चलते उ सब एक जोड़े रह के खुश रहते रहे और उ सब परमेश्वर के साथ बगीचा में खुश रहते रहे। उ बगीचा के नाम आदम के बगीचा कहल। परमेश्वर ने आदम से कहले कि तू सब पेड़ के फल खा सके से बाकी एक के छोड़ के। तू अगर ओकर फल खाएबे तो तू जरूर मर जाएबे। लेकिन एक दिन शैतान जो आदम के मेरारू हवा के फुसलावे के कोशिश कर ले। हवा फल तोड़ ले और अपन मर्द के खिला ले और अपने खा ले। वही घड़ी ओकर भरोसा टूट गए काहे कि परमेश्वर पवित्र हौ और ओकर बात न मान ले या परमेश्वर के नजदीक न रहले। आदम हवा परमेश्वर के विरोध में पाप कर ले तो दुनू के बगीचा से बाहर निकाल दे ले। यही चलते दुनू के लजाए के पड़ ले। एकरा परिणाम से आदम हवा ओकरा पूरा वंश के मरे लगी और पीड़ा से सहे लगी पड़ ले। और परमेश्वर इंसान से प्यार करे लगी न छोड़ ले और मनुष्य के अपना साथे संगति में लावे लगी। योजना पहले से तैयार कर ले। धर्मशास्त्र में परमेश्वर आदमी सबके पाप के सजा से बचावे के लागी अपन योजना देखावे से ताकि उ सब हमेशा के लेल परमेश्वर के संगति में रह सकते। परमेश्वर अपन योजना के कुछ भाग भविष्य वक्ता अब्राहम पे प्रकट कर ले। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास कर ले और ओकर आदर कर ले। परमेश्वर अब्राहम के और ओकरा द्वारा सब लोग के आशीष देवे के वादा कर ले और ओकरा से वादा कर ले कि परमेश्वर ओकर वंश के समुन्दर के बालू की तरह और आकाश के तरेगन के जैसन कर देतो। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास कर ले और यही लगी परमेश्वर ओकरा धर्मी ठहरा ले और लोग ओकरा परमेश्वर के दोस्त कहल। एक दिन परमेश्वर अब्राहम के जांचले कि ओकरा पे विश्वास करे से कि न और ओकरा बात माने से कि न। परमेश्वर ओकरा अपना बेटा के बलि चढ़ावे लगी कहल। अब्राहम ई जानत रहले कि ओकरा बेटा के माध्यम से बड़ा खानदान कर देते। तैयो उ परमेश्वर पे भरोसा कर ले और ओकरा बात मान ले। ये चलते अपन बेटा के परमेश्वर के लागी बलि चढ़ावे लागी तैयार कर दल के। अब्राहम अपन छुरा निकाल ले। वही समय परमेश्वर कहल अब्राहम लड़का के न मार। हम जाने से कि तू हमरा भय माने से और आज्ञा माने लागी तैयार होते। तभी अब्राहम अपना पास में एगो भेड़ के देखले जो झाड़ी में फंसा रहले। अब्राहम उ भेड़ के परमेश्वर जो देले रहले ओकरा पकड़ लेले और अपना पुत्र के बदले में ओकरा बलि करले। जब ई परमेश्वर ने अब्राहम के बेटा के जगह बलि के लागी भेड़ देले तब उ देखाले कि उ आदमी सबसे बहुत ज्यादा प्यार करे से। ओकर प्यार एक अच्छा बाप की तरह है जो अपन बेटा से प्यार करले। ई काम के साथ परमेश्वर ने ई बतला ले कि उ आदमी सबके बदले एगो बलि खोज के देते। बहुत समय पहले परमेश्वर भविष्यवक्ताओं पे प्रकट कर ले कि उ आदम के वंशज के जगह पर मरे के लागी उ पाप रहित आदमी के भेजते।
पाप और लज्जा के दूर करतै। ओकर बलिदान के द्वारा उ रास्ता बना ले कि लोग परमेश्वर के साथे संगति में रहतै। भविष्यवक्ता उ आदमी के मसीही कहलै। उ कहले कि परमेश्वर के लोग बचावे लागी एक मसीही के भेजतै और ओकर राजा होके परमेश्वर के नाम से हमेशा के लिए राज करतै। ओकरा आवे से कई सौ साल पहले भविष्यवक्ता बतालै कि मसीह कथी कथी करतै और ओकरा साथ की होतै। भविष्यवक्ता दाऊद कहत रहले कि परमेश्वर मसीह के बारे में घोषणा करतै कि तू हमर बेटा हते। परमेश्वर के बेटा कहलावे के मतलब है कि ओकर परमेश्वर के साथ बहुत गहरा रिश्ता होतै। यशाया भविष्यवक्ता कहले कि एगो कुंवारी गर्भवती होतै, ओकरा एगो बेटा पैदा होतै और ओकर उ बेटा परमेश्वर के अनंत वचन होतै, जेकरा परमेश्वर इंसान के रूप में पैदा होय लागी भेजतै और उ परमेश्वर के लोक के सामने प्रकट करतै। भविष्यवक्ता ई भी लिखलै कि मसीही के जन्म बेतलहम में होतै और यरूशलेम में राजा की तरह प्रकट होतै और ई भी लिखलै कि 30 चांदी के सिक्का के लागी ओकर मित्र धोखा दे देतै। भविष्यवक्ता कहले मसीही अपन जीवन के बलिदान करते लेकिन परमेश्वर ओकरा तीसरा दिन मरल में से जी उठा देते। भविष्यवक्ता सब आदमी के मसीही के बेटा कहले, बतलके कि उ बादल पे सवार होके परमेश्वर के पास वापस चल जते और परमेश्वर ओकरा हमेशा के लागी पूरा दुनिया पे अधिकार देते। करीब 2000 साल पहले इस दुनिया में एगो आदमी रहलै जेकर नाम यीशु रहलै। जब लोग सब ओकर काम के देखलकै तब एक दूसरा से पूछलै कि उहे मसीह है। इस सिनेमा दिखलावै छै कि यीशु कौन है और यीशु की कहलै और कौन कौन काम करलै, जैसन कि पवित्र शास्त्र में लिखल है। इस सिनेमा में एगो कलाकार यीशु के रोल निभालै है, जबकि ई काम करे के लायक कोइयो न है। इस सिनेमा यही लागी बनलै है कि लोग यीशु के जीवन के बारे में जान सके। परमेश्वर जो आशीष के वादा करलै है उ आशीष सब लोग पा सके। प्रिय भाई थियोपिलिस, हम तोरा सब बात ठीक ठीक कहे छियौ, सब घटना कहे छियौ कि जो हमरा बीच में घटलौ, ताकि तू ई बात के जान के तू सत्य के जानबै। रोमी सरकार के राज में हेरोदेस यहूदिया प्रदेश के राजा रहले। उस समय नासरत शहर में एगो कुंवारी रहलै जेकर नाम मरियम रहलै। परमेश्वर अपन स्वर्गदूत मरियम के पास जिब्राइल के भेजलै। डरना मरियम, तोरा पर परमेश्वर के कृपा भेलौ हा। तू गर्भवती होबे, एक ठो बेटा पैदा कर बही और तू ओकर नाम यीशु रखियाही। ये कैसे हो सकै छै, हम तो कुमारी हतियौ। पवित्र आत्मा तोरा पर उतरतौ, कारण लैका पवित्र प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलतै, ओकर राज कभी न खत्म होतै। मरियम यहूदिया के एगो नगर अपना चचेरी बहन एलिशेबा के घरे गेलै, जो स्वयं अद्भुत रीति से गर्भवती रहलै। एलिशेबा, मरियम, बहिन मरियम, तू सब औरत में धन हते, धन वो बच्चा जो तू जन्मेबे। जखनिये तू हमरा प्रणाम कर ले, लैका खुशे से हमरा पेट में उछल पड़लो। हमर प्राण प्रभु के स्तुति करै छौ, हमर आत्मा उद्धार करा परमेश्वर में खुश भेलौ। अखने के सब योग के लोग हमरा धन्य कहतौ। नासरत नगर के सब लोग सुनाई, कैसर अगस्तुस के ही आज्ञा है कि गलील और यहूदिया के सभी प्रांत में रहे वाला निवासी के गिनती होता है। ये चलते सब तू सब अपना अपना वतन में चल जाए, जहाँ शीघ्र ही नाम दर्ज करवा लिए।
और मरियम यीशु के साथ अपना नाम लिखावे के लगी यहूदिया नगर के बेतलहम गांव गेलै। पर बेतलहम में ओकरा ठहरे लागी जगह न मिललै, ओकरा ठहरे के लागी गाय के बथान में जगह मिललै। देश के उभाग में रात के उचरवाहा अंधेरे में उ देखभाल करत रहल। तभी परमेश्वर के स्वर्गदूत वहाँ प्रकट होल। परमेश्वर के तेज ने ओकरा घेर ले लई। आज के दिन दाऊद के नगर में तोरा लागे उद्धारकर्ता जन्म ले लो हा, अर्थात मसीह प्रभु। चरवाहा जल्दी में ही नवजात शिशु के देखे के चल पड़ल। उ सब प्रथम चेलों में गिने गए जो कुंवारी माता से जन्म उद्धारकर्ता से सुसमाचार सुनल। तब अब बालक के खतना के समय आल तब ओकर नाम यीशु रखल गए। यीशु आ मरियम बालक के परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करे लगी परमेश्वर के पास ले गए। मंदिर के अंदर सिमोन नाम के और एक धार्मिक आदमी रहलै जकरा पवित्र आत्मा से आश्वासन मिले रहले कि जब उ बालक मसीह के दर्शन न कर लेते तब तक ओकर मृत्यु न होते। परमेश्वर तू अपन सेवक के अपन वचन के अनुसार शांति से अपना पास बुला ला। हमर आँख ने आज तुहर उद्धार के देख लेलू हा। ये बालक परमेश्वर के चुनल है। तोरा दुनू के आशीष मिलता। मूसा के नियम के अनुसार उद्धार्मी कर्ता पूरा कर लो यरूशलेम से नासरत लौट लो। ता यीशु 12 साल के होले तब मरियम और यीशु ओकरा एगो परब के लागी यरूशलेम ले गेले। वहाँ से लौटते समय वो बालक यीशु सोचलो कि ओकरा जोरे हो, लेकिन यीशु पीछे रुक गए रहले। ओकरा खोजे तो वापस शहर लौटले। तीसरा दिन यीशु के आराधनालय में देखले कि धार्मिक गुरु के जोरे बातचीत करते रहले। ई केकर बेटा है जे ऐसन बात पूछे छै? हम नासरत से हती, हम सोचली कि हमारा साथे है, कृपया तू एकरा माफ करिए। लड़का यीशु सबके चंकित कर दिले। बेटा तू हमरा साथ ऐसा काहे कैले? हम तोरा खोजते खोजते परेशान हो गेलियो। तू हमरा काहेला ढूंढत रहले? तू न जानत रहले हम परम पिता के काम करेला आइली हा। और यीशु ओकरा जोरे नासरत लौटले। मनुष्य के अनुग्रह में बुद्धि और शरीर से बढ़त रहले। ई यीशु के जीवन पर आधारित सत्य कथा है। ई लुका रची सुसमाचार से ले गेल है। प्रस्तुतकर्ता इंस्पिरेशनल फिल्म यीशु। सम्राट तिर्वेश के राज में 15वें वर्ष में पिंतुस पिलातुस यहूदिया के शासक रहले और हेरोदेस गलील के राजा। हन्ना कैफा महायाजक रहले। रगिस्तान में परमेश्वर के वचन यहुन्ना के मिलले और यर्दन नदी के आसपास के इलाका में पाप के क्षमा के तथा बपतिस्मा के प्रचार करे लगले। अपना पाप से पश्चाताप करे और बपतिस्मा ले, तब परमेश्वर तोहर पाप क्षमा कर देता हूँ। जैसे यशाया भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखल है, रेगिस्तान में कोई पुकार रहल है, प्रभु के लेल रास्ता तैयार कर, प्रभु की यात्रा के लिए सीधा रास्ता बनो, हरेक घाटी भरल जतै, हरेक पहाड़ और टीला समतल करल जाओ, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग सीधा करब,
उभर खाभर मार्ग बराबर करब और सब मानव जाति परमेश्वर के उद्धार के देखते। सब की करियो? ए बुरा आदमी सब, बताबो हम सब की करिये। हम अब बताबो हम कौन रास्ता पे जाई। अगर कोई के पास दो कमीज है तो एक आदमी के दे दही, जेकरा पास ना है, जेकरा पास खाना है तो जरूर बाटिया ही। हे गुरु, हम चुंगी लेवे वाला हथियो, हम की करियो। नियम से ज्यादा चुंगी ना लेबे। और हमरा बताबो हमरा की करे के चाही। कौनो से जबरदस्ती धन ना लही और कौनो पर झूठा दोष ना लगबही। अपना कमाई में संतुष्ट रह। हमरा बतो कि तू मसीह हते। हम तोरा पानी से बपतिस्मा दे छियो, लेकिन जो अबे छौ हमरा से अधिक महान हौ। हम तो ओकरा जूता के फीता खोले लायक भी ना हतियौ। उ तोरा पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देतौ। ओकरा हाथ में सूप है जे गेहूं के भूसा से अलग करके अपना खत्ता में डाल देते। और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु पे उतरलै। और स्वर्ग से आवाज अलै कि तू हमर प्रिय पुत्र हते, हम तोरा से प्रसन्न हतियो। यीशु 30 साल के उम्र में अपना सेवकाई शुरू करलै। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके यर्दन नदी से लौटल। पवित्र आत्मा ओकरा मार्गदर्शन करके रेगिस्तान में ले गल, जहाँ शैतान ओकरा 40 दिन तक परीक्षा करते रह और 40 दिन तक कुछो न खल। तब शैतान ओकरा से कहले, अगर तू परमेश्वर के बेटा हते कहीं तू पत्थर के रोटी बन जाएला। ये लिखल है, आदमी केवल रोटी से न परमेश्वर के वचन से भी जिंदा रहता है। शैतान ओकरा ऊंचा जगह पे ले गले और दुनिया के राज देखा दिले। इस सब अधिकार और महिमा हम तोरा देबो, इस सब हमरा सौंपल गेले है, हम जेकरा चाहे छे ओकरा देबे, तू हमरा पूजा करबे तब। ये भी लिखा है कि तू अपना प्रभु परमेश्वर के पूजा कर और तू सिर्फ ओकरे सेवा कर। तब शैतान ओकरा मंदिर के ऊंचाई पे ले गले, अगर तू परमेश्वर के पुत्र हते त कूद जो, काहे कि धर्मशास्त्र में लिखल है कि परमेश्वर अपना दूत के आज्ञा देते और दूत तोरा संभाल लेतौ, काहे कि तोरा गोर में पत्थर से ठेस न लगतौ। पवित्र शास्त्र कहै छै तू प्रभु अपन परमेश्वर के परीक्षा न कर।
फिर यीशु नासरत आले जहाँ ओकर पालन पोषण हो रहे। कैसन हते? ठीक हते। विश्राम के दिन यीशु हमेशा के तरह आराधनालय गेलै। और यशया भविष्यवक्ता के पुस्तक से ओकरा एगो भाग पढ़े लागी कहलै। परमेश्वर का आत्मा हमरा पर है, कहला कि वो हमरा गरीबों को अच्छा समाचार सुनावे लागे चुनलै है। वो हमरा के भेजले कि हम बंदी सबके मुक्ति और अंधरा के दृष्टि पावे लागे संदेश दिए, सतायल गए लोग के छुड़ावे के लागे ऐलान करे के लागे कि वो समय आ गेलै है जब परमेश्वर अपन लोग के बचतै। वो ठीक कहै छै। आज इस शास्त्र के लिखल वचन पूरा भेलै, जैसन तू अभी सुन ले कि परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरले। ये वादा तो सिर्फ मसीह पूरा करते हैं। हम कैसे जानियो? हम जाने छियो कि तू ई कहावत कहबे, भाई जी पहले तू अपना ठीक कर, तू यो कहबे, तू अपना शहर में उहे कर जैसन हम सुनियो वैसे तू कफरनहूम में कैले। हम तोरा से कहै छियौ तो अपना शहर में आदर न पावै छै। इस प्रकार यीशु अपन परिचय परमेश्वर के चुनल मुक्तिदाता के रूप में दिले, लेकिन यहूदी सब ओकरा मसीह स्वीकार न करले और ओकरा सब पहाड़ी से गिरावे लागी चाहले। लेकिन उ भीड़ से निकल के अपन रास्ता चल गेले। और गलील के कफरनहूम शहर में पहुँचल। उस समय देश कठोर रोमी सरकार के गुलामी में रहले और लोग ओकरा अत्याचार से छुटकारा आवे के लागी मसीह के रास्ता देखित रहले। तोरा शांति मिलतो। तोरा भी मालिक। हम तोरा नाव में आ सकै छी सिमोन? हाँ कहे ना। यीशु हमरा छोड़ के ना जा रहले ना? मालिक हमरा कुछ सिखावा। हमरो कुछ बतावा। प्रभु हमरा सिखावा। एक बार दू गो आदमी प्रार्थना करे मंदिर गेल, एगो धार्मिक अगुआ रहे एगो चुंगी उसले वाला। धार्मिक अगुआ खड़ा होके ऐसन प्रार्थना करे लगल, परमेश्वर हम तोरा धन्यवाद करै छियौ कि हम दोसर के तरह लालची बेईमान और व्यभिचार न हतियौ। हम तोरा धन्यवाद करै छियौ हम चुंगी असले वाला के तरह न हतियौ। सप्ताह में दू बार उपवास रखै छियौ। हम कमाई के दूसरा हिस्सा तोरा दै छियौ। लेकिन चुंगी लेवे वाला दू खड़ा होके स्वर्ग की ओर आँख उठैले बिना अपन छाती पीट पीट के ई कहलै, हे परमेश्वर हमरा जैसन पापी पर दया कर। हम तोरा से कहै छी धर्मी अगुआ ना लेकिन चंगी उसले वाला। परमेश्वर के नज़र में धर्मी ठहरलै। जो अपना आप के बड़ा मानतै उ छोटा कल जतै, लेकिन जो अपने आप के छोटा मानतै उ बड़ा कल जतै। अपना नाव के गहरा पानी में ले चल और अपना साथी के साथ मछली के लागे जाल डाला। हे मालिक हम पूरा रात बहुत मेहनत कर ली लेकिन कुछ ना पकड़ लिया।
यदि तू कहै छ तो जाल डाल के दे छियो। याकूब, यहुन्ना, याकूब, यहुन्ना, अपना नाव के इधर ले आवा, हमर सहायता करो। हम ना से किसी, हमरा बहुत काम है। प्रभु, हमरा पास से चल जाओ, हम एक पापी आदमी हती। तू ना डरा ही, अब से तू हमरा पास सब लोग के लिए। हमरा पास आ, हमर वचन सुन, तब तू जीवन पाएबे। परमेश्वर के वचन सुन, जब ऊ तोहरा से बात करतौ, जब ऊ नजदीक हो, तब तू ओकरा पुकार ले। दुष्ट अपन सब दुष्ट काम छोड़ देतै और अधर्मी अपन बुरा विचार के त्याग देतै, ऊ प्रभु के पास वापस आ जतै। तब प्रभु ओकरा पर दया करतै, ऊ ओकर पाप क्षमा करतै, तू आनंद और शांति पाइबे। ऊ आबै छौ, ऊ यही हो, देख। यीशु, यीशु, हमरा इकलौती बेटी के बचाओ प्रभु, हमरा पर दया करो, कृपा हमरा जोरे चलो प्रभु। न्याय, हमरा बड़ा दुख हो। यीशु, तोहर बेटी न रहलो, गुरु के कष्ट न दे। डर ना, विश्वास रख, उ ठीक हो जतौ। तू ना रो, ऊ मरलौ ना, ऊ तो सुतल है। बेटी, उठ। एकरा कुछ खाए लगे दे। सुन, यहाँ जे भेलै है कोनो के ना कहिए। ओकरा बाद चुंगी लेवे वाला मती के चुंगी लेवे के जगह पे देखल। हमरा पीछे आओ।
और यीशु पहाड़ी पे गए जहाँ वो पूरा रात परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। और अगला दिन वो 12 चेला के अभिनंदन कर ले और ओकरा मसीह के चेला कहले। सिमोन जेकरा उ पतरस नाम देले कर भाई अंद्रियास याकूब और यहुन्ना फिलिपुस और बर्तुलमै और मती और थोमा याकूब हलफाई के बेटा और सिमोन जो जेलतुस कहलावत रहले यहूदा जो याकूब के भाई रहले और यहूदा स्क्रूति जो आगे चल के यीशु से विश्वासघात करले। धन है ऊ जो सीधा साधा है, काहे कि परमेश्वर के राज ओकरे है। धन हते तू जो भूखा हते, काहे कि तोरा सबके तृप्त कल जतौ। धन हते तू जो रोई छे, काहे कि तू आनंदित कल जइबे। धन हते तू जब लोग तोरा धिक्कारतौ और अपमानित करतौ और हमरा कारण तोरा बुरा कहतौ। जब ऐसन होतौ कि तू आनंदित और मगन होवे, काहे कि तोरा लेल स्वर्ग में बड़ा इनाम हौ। ओकर पूर्वज सभी भविष्यवक्ता के साथ असह्य करलौ। हमरा पास इतने हाँ। इतना ही काहे हो? हाय हाउ जो तू धनी हते, तू आराम के जीवन बिता ले ले। जो धनी न बनेला चाहे छे वो पागले होता है। हाय तोरा पर जो तू हसाई छे, काहे कि तू रोबे और विलाप करबे। हाय तोरा पर जब लोग तोरा बड़ाई करतौ, कहे कि ओकर पूर्वज सब झूठे भविष्यवक्ता के लेल वही कर ले। पर हम तोरा सबसे कहै छियौ, शत्रुओ से प्रेम करिए, घृणा करे वाला के भला करही। जो तोरा शराब दे तो ओकरा तू आशीष दही। जो तोरा साथ बुरा करतो ओकरा लेल प्रार्थना कर। तोरा एक गाल पर जो थप्पड़ मारतौ तो ओकरा लागी दूसरो फेर दही। जो तोर कोई गमछा लेतौ ओकर तू अपन कमीजो दे दही। कोनो मांगे वाला के मना ना करही। यदि कोई तोर सामान ले लेतौ तब ओकरा से वापस मत मांग। तू उहे कर जैसन व्यवहार तू दूसरा से चाहित हते। यदि तू अपना से प्रेम रखे वाला से प्रेम रखे छे तो तोरा आशीष काहे मिलतौ। पापी अपना प्रेम रखे वाला से प्रेम रखे छै, खुदे भलाई रखे वाला से भलाई करबे तो तू काहे आशीष पाइबे। पापी भी ऐसन करै छै। एकरा कैसे छू सके छै, ओकरा से कैसे बात कर सके छै। बेशरम ये
नहीं, शत्रु से प्रेम रख, ओकर भला कर, उधार दे के लेवे के आशा न रख, उ तोरा बड़ा प्रतिफल देतौ, तब तू परम प्रधान परमेश्वर के संतान ठहरवे, काहे कि उ दुष्ट सब पर भी कृपालु है, दयालु बनही जैसन तोहर परम पिता दयालु हौ। यीशु हमरा बचाव, बुराई न कर तो तोरो बुराई न होतौ, दोष न लगा बही तो तोरो पर दोष न लगतौ, क्षमा करही तो तोरो क्षमा मिलतौ। प्रभु हमरा अपना रास्ता पर चलाबा। दही तो तोरा देवल जतौ, तू जे नाप से नापे ओहन आप से तोरा देतौ, अनरा अनरा के रास्ता न देखा सकै छै, ऐसन करे से दुनू गड्ढा में गिरतै, अपना भाई के आँख में तिंगरा कहला देखै छै जबकि तोहर अपना आँख के लट्ठा न देखा दै छौ। प्रभु हमरा मार्गदर्शन कर, प्रभु हमर तोहर जरूरत हो। धन्य है उ माई जेकरा से तू जन्म लेला और तोरा पालला। वो कितना धन है जे प्रभु के वचन सुनै छै और मानै छै। हम ई आदमी के जाने के चाहबो, तोहर की ख्याल हो, मसीही है कि? ई धर्म गुरु रात्रि के यीशु के भोजन पे बुलाले, यीशु ओकरा घरे गेले और भोजन करे बैठ गेले। चल बचवा यहाँ से चल, जो तोरा सुनाई ना दे लो, जो बड़ा बदमाश है लेका। कथी करे हमरा ना है मालूम। आदमी सही में कोनो भविष्यता रहती है ना, तो ये जान लेती है कि औरत कैसन है, जो एकरा छोई है वो जानती है कि कैसन पाप में जीवन जिये है। हम जाने छो कि ये स्त्री कौन है सिमोन, हम तोरा एगो बात बतबै छियो, एक महाजन के दू कर्जदार रहलै, एगो के 50 दूसरा के 500 रुपया रहलै, दुनू में कोनो कर्ज चुकाबे के स्थिति में न रहलै, दुनू के कर्ज माफ कर देवल गेलै, ओकरा से ज्यादा प्यार कौन करतै। हमरा सो से जेकरा अधिक कर्ज रहलै ओकरे माफ होतै। तू ठीक कहलै, ई औरत के देखलही, हम तोरा घरे अलियौ, तू हमरा पानी न देले गोर धोए लागी, ई औरत आंसू से पैर धोलै और अपना बाल से पोछलौ, तू हमरा आदर से स्वागत न करले, जखने से हम अलियौ तखने से ई हमर पाँव चूमे के न छोड़लौ, तू हमरा माथा पर तेल न मललै, उ हमरा गोर पर सेंट लगल हुआ। हम तोरा से कहै छियौ एकर अधिक पाप क्षमा भेलौ, एला हमर अधिक प्रेम करलौ, पर जेकरा तनका क्षमा मिललै उ तनके प्रेम करतै। जो तोहर पाप क्षमा भेलौ, तोहर विश्वास बचा लेलो, शांति से जो। यीशु जगह जगह परमेश्वर के राज के शुभ संदेश देवे लगले, साथ 12 गो चेला और दुष्ट आत्मा से छुड़ावल कुछ महिला रले, मरियम जो मगदीनी कहलावेत रले, यहुन्ना जेकर पति खोजा, हेरोदेस के भंडार में दरवान रले, और सुसन्ना।
गलील के राजा हेरोदेस अपन भाभी से शादी कर ले रहे, यही कारण यहुन्ना ओकरा पर आरोप लगा ले। तब राजा हेरोदेस यहुन्ना के जेल में डलवा दिले। कहा जब हम सब नए नगर के द्वार पर पहुँच लिए तब लोग एगो अर्थी के लेके जायत रहे, मरल लड़का एगो विधवा के इकलौता लड़का रहे। जब यीशु उ विधवा के तरफ देखले उनकर हृदय दया से भर गेले, उ कफन उठल या कहले ए नौजवान हम तोरा से कहे छियौ उठ। मरल लड़का उठ गेले आ यीशु उ लड़का के ओकरा माई के दे देले। ओकरा से पूछ कि तू हुए हते जेकरा आबे के चलते यहुन्ना ई प्रचार कैले रहे, कि और हम केकरो इंतजार करियौ। मालिक, मालिक यहुना हमरा ई पूछेला भेजलो कि तू उहे हता जे आए वाला है कि हम कोई और आवे के प्रतीक्षा करिए। जथी जथी तू देखले उ यहुना से कह, अंधरा देख सकै छै लंगड़ा चल सकै छै, धन ए उ जो हमरा पर शक ना करै छै। आजो हमरा कंधा पे, अब तू देख सके छे। हां हम इसु के देख सके छी। एक बीज बोए वाला बीज बोए गेलै, बोएत समय कुछ बीज मार्ग में गिरलै और रौंदल गेलै और चिड़ै ने ओकरा चुंग लेलै, और कुछ पथरीली माटी पर गिरलै, जब उ उगलै तब पानी न मिले के कारण मुरझा गेलै, और कुछ झाड़ी के बीच में गिरलै, झाड़ी ने साथ साथ बढ़ के ओकरा दबा देले, लेकिन कुछ अच्छा भूमि पर गिरले और सब पौधा उग के फल देले, सब 100 गुना। मालिक जब भीड़ जमा हो तो कहानी काहे लगी बतावे छे? परमेश्वर के राज्य के रहस्य के ज्ञान तोरा देल गेल हो और लोग सब के कहानी में सुनावल जाय छै, देखत देखत भी न देख पबै छै और सुनते हुए भी न समझ पबै छै। ई कहानी के अर्थ ई है बीज परमेश्वर के वचन है, रास्ता के बीज ओकरा दर्शाबै छै जो ओकर वचन सुनै छै, तब शैतान आके ओकरा मन से वचन चुरा लै छै ताकि ऊ विश्वास करके मुक्ति ना पाले। पथरीली धरती पर गिरे से बीज ओकरा दर्शाबै छै जो वचन सुन के ओकरा आनंद से ग्रहण करै छै पर जड़ न पकड़ै छै, ऊ कुछ देर तक विश्वास करै छै और परीक्षा के घड़ी आवे पर न टिक पबै छै। झाड़ी में गिरल बीज ओकरा दर्शाबै छै जो वचन सुनै छै पर जीवन के चिंता धन और भोग विलास में फंस जाय छै, ओकर फल कभी न पकै छै। उ जो अच्छा भूमि पर गिरलै उ लोग है जो वचन सुनै छै और विश्वासी मन से ग्रहण करै छै और फल आबे तक ओकरा संभाल के रखै छै। मसाल जला के कोई बर्तन से न ढकै छै और न खाट के नीचे रखै छै, लेकिन ओकरा दीवार पर रखै छै ताकि भीतर आवे वाला के रोशनी मिलतै। जे कोई छिपल है ओकरा बाहर लावल जतै, जे ढकल है ओकरा ढूंढ के रोशनी में लावल जतै। ए चलते तू सचेत रह कि कैसे सुनै छै, काहे कि जेकरा पास है ओकरा और देवल जतै, जेकरा पास आत्मिक समझ न है ओकरा से उहो लेल जतै जो ओकरा पास है। माली तोहर माता और भाई सब बाहर हो, तोरा से मिले के चाहे छो। हमर माय और भाई उहे है जो परमेश्वर के वचन सुनै छै और मानै छै।
एक दिन प्रभु येसु अपना चेला के साथ नाव पे बैठले और कहले आव नदी के पार चले सी। नाव चलत रले येसु सो गेले। कहाँ गेलो तोहर विश्वास? उ सब गेरिसेनियों के देश में गेलै। उ देश गलील के सामने रहलै। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटा, तू हमरा से की चाहे छ? हम तोरा से दुआई करे छी, तू हमरा के ना मारिए। तोहर नाम कथी हौ? सेना प्रभु, हम विनती करे ल हमरा एता गहरा में ना भेज, लेकिन सुगर के झुंड में भेज दे। दुष्ट आत्मा ओकरा में से निकल ले और सुगर में समा गई। यहाँ से दूर जो, हमरा के छोड़ दे, यहाँ से चल जो। तू जहाँ जाएबा हमू साथ है चलबा। हमरा अपना जोड़े आवे द, अपना घरे चल जो। परमेश्वर जो कर लो से बतो। प्रभु येसु अपना चेला सबके जोड़े भीड़ से अलग होके बेतसैदा पहुंचले। और भीड़ के पता चल गेले तो प्रभु के पीछे हो ले ले। शाम के पतरस कहले मालिक,
इन लोग के भेज दहो ताकि वो आसपास के गांव में जते और वो अपन आय और रहे के जगह खोज सकती है। काहे के ये वीरान जगह है। तू खुद एकरा लागे भोजन के प्रबंध करिए। लेकिन हमरा पास तो 5 गो रोटी 2 गो मछली है। धन्य हो हे प्रभु परमेश्वर, सारा संसार के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजबै छै। लोग हमारा बारे में कथी कहे छै? कोई तोरा यहुन्ना बपतिस्मा देवे वाला कहे छै, कोई तोरा एलिया भी कहे छै, और कितना कोई कहे छै पुरनका भविष्यवक्ता फिर जी उठलै। तू कथी कहे छै? तू बतो हम कौन हतिय। तू परमेश्वर के मसीह हत। तू ये बात केकरो से न कहिए। हम बड़ा दुख उठबै और नकार देवल जबै और जान से मार देवल जबौ, लेकिन तीसरा दिन मरल में से जी जबौ। To the following day, each night repeats it to the next. तोरा में से कोनो हमरा साथे आतै कि? हम तोरा पीछे चलबो मालिक, लेकिन हम पहले जाके अपना घर वाले से विदा ले लै छियौ। जे अपन हाथ फल पे रख के पीछे देखाई छै, ओ परमेश्वर के राज के लायक न है। जे कोई हमरा पीछे आवे के चाहे छै, ओ पहले खुद के इनकार कर ले, रोज अपन इच्छा के मार के हमरा पीछे हो ले। जे अपन जान बचतौ ओ ओकरा खोतौ, और जो कोई हमरा लेल अपन प्राण खोतौ तो ओ ओकरा बचतौ। यदि आदमी पूरा संसार पा लेतै और प्राण गवा देतै तो की फायदा। जो हमरा और हमरा शिक्षा से ला जाय छै तो हमर और अपन पिता के स्वर्गदूत के महिमा सहित जब हम अबै तो उ आदमी से ल जबै। सच्चे कहै छियौ, यहाँ कुछ ऐसन लोग है जो परमेश्वर के राज देखे बिना न मरतै। तभी प्रभु येसु यहुन्ना याकूब और पतरस के जौरे पहाड़ पर प्रार्थना करे गेले।
प्रार्थना करे के समय ओकर चेहरा के रूप बदल गेलै और वस्त्र जगमगाय लगलै। अचानक दुगो आदमी मूसा और एलिया दिव्य रोशनी में प्रकट होलै और यीशु से बात करे लगलै। तू परमेश्वर के काम पूरा करबही, तू यरूशलेम में मरबही। जात समय पतरस ने यीशु से कहलै, मालिक कि कितना अच्छा होता है हम सब यहाँ हति, हम तीन तंबू बनबै, एगो तोहरा ला, एक मूसा के लिए। पतरस ही कहत रहले कि बादल ने ओकरा घेर लेले और एगो एलिया के लिए। चेला सब डर गले और बादल में से आवाज अलै, ई हमर बेटा है जेकरा हम चुनले हति, एकरे बात सुनिए। गुरुजी, कृपा करके हमरा बेटा के देखा, कृपा करके ओकरा मदद करू। ये हमर एकलौता बेटा हो, हम तोरा चेला कहलियो कि दुष्टात्मा निकालेला, लेकिन ऊ न निकाल पलो। ए अविश्वासी और जिद्दी लोगो, हम तोरा जरे कहिया तक रहियो, कब तक सहियो? तू अपन बेटा के यहाँ ला। हमरा प्रार्थना करे के सिखा, जैसे यहुन्ना अपना चेला के सिखा ले। तू ऐसा प्रार्थना कर, ऐ हमर बाप तू जो स्वर्ग में हते, तोहर नाम पवित्र मानल जतौ, तोहर राज अतौ, तोहर इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होइ छौ वैसे इस पृथ्वी पर भी कर। हमरा दिन भर की रोटी आज हमरा दे, हमर गुनाह के क्षमा कर जैसे हम अपन गुनहगार के क्षमा कलियै ह, लेकिन हमरा परीक्षा में न ला, लेकिन बुराई से हमरा बचो। मांगा ही तो तोरा देल जतौ, खोज ही तो तू पाइबे, खटखटाबा ही तो तोरा लागी द्वार खुलतौ। काहे कि जो मांगतै ओकरा मिलतै, जो खोजतै ऊ पतै, और जो खटखटाबै से ओकरा लागी द्वार खोलल जाइ छै। तोरा में से कौन ऐसा पिता होते जो अपना बेटा से रोटी मांगे पर पत्थर देते, या पानी मांगे पर ओकरा जहर देते? जब तू बूढ़ा हो के अपना बच्चा के अच्छा चीज देवेला जानै छे, तब तोहर परम पिता परमेश्वर
अपना मांगे वाला के पवित्र आत्मा काहे न देते। हम कहे छियौ अपन शरीर के चिंता न कर कि हम की खबई और ई चिंता न कर कि की पहनबई, काहे कि जीवन खाना से बढ़ के है और शरीर कपड़ा से बढ़ के है। पक्षी पे ध्यान दही, न उ बोइ छै न कटै छै न ओकर कोई भंडार है, फिर भी परमेश्वर ओकरा खिलाबै छै। तू तो पक्षी से भी कहीं बढ़ के हते। तोरा में से कौन चिंता करके अपन उम्र बढ़ा सकै से, जब तू ई छोटा काम ना कर सकले हा तो बाकी के चिंता कहला करै से। ई फूल के देख ई कैसे बढ़ै से, कोईयो प्रकार के मेहनत ना करै से। राजा सुलेमान के पोशाक भी एकरा जैसन सुंदर न रहलै। अगर परमेश्वर घास के हरा भरा रखै से जो आज है कल आग में झोंक देवल जतै तो जरूर उ तोरा भी कपड़ा पहनहतौ। हे अल्प विश्वासी, हमर विश्वास के बढ़ावा। अगर तोहर विश्वास राय के दाना के बराबर होतौ तो तू ई पेड़ से कहते जड़ से उखड़ के समुन्द्र में जाके लग जो तो तोहर बात मान लेतियौ। पाप में पड़े लगे परीक्षा जरूर अबै छै, पढ़ाय है ओकरा पर जेकरा द्वारा वो अबै छै। जे दूसरा के लागे पाप में गिरे के कारण बनै छै ओकरा लेल यही ठीक है कि ओकरा गला में पत्थर बांध के समुद्र में फेंक देते। परमेश्वर के राज केकरा तरह है, उ ऐसन है एक आदमी बीज लेके अपना खेत में बोइ छै, उ दाना बढ़ के पेड़ बन जाइ छै और चिड़ै ओकरा डाली पर घोंसला बनबै छै। हमरा ना पता है कि ई की कहै छै। तू चुंगी लेबे वाला पापी सबके साथ काहेला खाइ छै। स्वस्थ आदमी के वैद्य के जरूरत ना होइ छै लेकिन रोगी को होइ छै। हम धर्मी सबके पश्चाताप के संदेश देवे ना लिए हुआ लेकिन पापी सबके। हमरा स्वर्ग के राज्य के बारे में बतावा कि औरो कुछ है। हे हमर लोक सब न डर, परमपिता के इच्छा है कि तोरा राज देतौ, अपन सब कुछ बेच के गरीब के दान कर दई और ऐसन बटुआ बना जो फटे न और स्वर्ग में धन इकट्ठा कर जहाँ उ न घटतौ। काहे कि कोई चोर वहाँ न पहुँच सकते न कीड़ा ओकरा बर्बाद कर सकै छै। जहाँ तोहर धन होतौ वहाँ तोरा मन लगतौ। हे दाई, तू अपन बीमारी से छूट गेले। हफ्ता में हम 6 दिन काम कर सक छियौ, चंगाई के लेल हम कोनो दिन आ सक छियौ, मगर आराम के दिन न। ए धोखेबाज, तोरा में से ऐसा कौन है जे आराम के दिन अपना गधा और बैल के पानी पियावे ना ले जाई छै। और ई जो दाई अब्राहम के वंश से हौ जो 18 वर्ष तक शैतान के बंधन में रहलै ह, कि विश्राम करे के दिन ओकरा मुक्त कैल उचित न रहलै ह।
हे उत्तम गुरुजी, अनंत जीवन पावेला हमरा की करेला होतै? तू हमरा उत्तम कैला कहै छे? कोई उत्तम ना है परमेश्वर के अलावा। तू धर्म नियम तो जानै छे, व्यभिचार ना करिए, हत्या ना करिए, केकरो पर झूठ आरोप ना लगाइए, अपन माय बाप के सम्मान करिए। ई सब नियम तो हम बचपने से मानैत अबै छी। एगो काम करे के जरूरी है, अपन सब कुछ बेच के गरीब सबके दे दे, तोरा स्वर्ग में धन मिलतौ, तब हमरा पीछे आजो। लेकिन हम तो व्यापारी हती, बहुत धनी। धनी के परमेश्वर के राज में जाए के लेल कितना मुश्किल है। ऊँट के सुई के छेद से निकले के आसान है, लेकिन धनी के स्वर्ग राज में जाए के लेल कठिन है। तो फिर कौन मुक्ति पा सके से? जो आदमी के लेल असंभव है, वो परमेश्वर के लेल संभव है। सही में कब आता परमेश्वर के राज? परमेश्वर के राज प्रकट रूप से न आता, कोनो ई न कह सकै छै कि देखा ई इन्ने है कि उन्ने है, काहे कि परमेश्वर के राज तोरा में हौ। उ समय आता कि जब तू चाहबे हमरा देख सकबे, पर ना देख पाइबे। जैसे आसमान में बिजली एक ओर से दूसरा ओर चमकै छै, वैसे ही हमू प्रकट होबौ। लेकिन पहले हमरा बहुत दुख उठावे के होतौ, और ई जमाना के लोग हमरा ठुकरा देतौ। धन्य है वो आँख जे ओकरा के देखै छै जेकरा तू देखै छै। कहे कि बहुत से राजा और भविष्यवक्ता सब देखे के चाहलै लेकिन न देखलै, और सुने के चाहलै लेकिन न सुनलै। हम की करू? धर्मशास्त्र की कहै छै, एकरा मतलब की समझै छै? तू अपन प्रभु और परमेश्वर के पूरा हृदय, पूरा प्राण, पूरा सामर्थ, पूरा मन से प्रेम कर, पड़ोसी के अपना समान प्रेम कर। ठीक है, इहे कर त जीवे। हमर पड़ोसी कौन है? उस सैनिक तो ना है की राजा होता है। एक बेर एगो आदमी यरूशलेम से यरियो जायत रहले, तब डाकू सब ओकरा पर हमला कर ले और लूट के ओकरा अधमारा करके चल गए। तब एगो पुरोहित वहां से गुजरल, उ ओकरा देख के वहां से कतरा के चल गए। यही तरह मंदिर के सहायक एगो लेवी वहां से गुजरल, नजदीक अल, उ आदमी के देखल और मुँह फेर के चल गए। लेकिन एगो दलित सामरी उ रास्ता से जाइत रहले, उ घायल आदमी के देखले और ओकर हृदय दया से भर गेले। उ ओकरा पास गेले और ओकरा घाव पे जड़ी बूटी डाल के मलहम पट्टी करले, ओकरा अपना सवारी पर बैठा के एगो रैन बसेरा में ले गेले और सेवा कलके। सवेरे में रैन बसेरा के मालिक के चांदी के 2 गो सिक्का दे के कहले, एकरो सेवा करिये और जे खर्चा होता वापस आके हम दे देबौ। ना कोई ओकरा घायल कर ले, ओकरा सच्चा पड़ोसी ई तीनों में से कौन भेले? जे एकरा से दया कर ले तो तू हो ये कर। बच्चा के हमरा पास आवे दे, ओकरा मना ना कर, काहे कि परमेश्वर के राज एकरे जैसन की है। हम तोरा से सच कहै छियौ, जे परमेश्वर के राज में बच्चा के तरह ना अतै, ओ में प्रवेश ना करतै। जे कोई हमरा नाम से बच्चा के स्वागत करै छै, वो हमरा करै छै। जे हमरा स्वागत करै छै, वो हमरा भेजे वाला के स्वागत करै छै। जे खुद के छोट करतै, वो सबसे बड़ होतै। कथी होइ छै? कौन जाइ छै? नासरत के यीशु जा रहल ह। यीशु यीशु
के बेटा, हमरा पर दया कर। हम तोरा लागे कथी करियो? हम देखे के चाहे छियो। ता देख, तोरा विश्वास ने तोरा चंगा कर लो। हम देख सकै छियो, हम देख सकै छियो, हम देख रहल हतियो। यरूशलेम जायत समय हर जगह प्रभु के भारी भीड़ मिले। ये लोग ओकरा से उद्धार के मार्ग और परमेश्वर के राज के बारे में जाने के चाहत रहे। लोग सब प्रभु यीशु के अपना मालिक माने लगल। यरियो नगर में चुंगी लेबे वाला जकई नाम के एगो आदमी यीशु के देखे लगी पेड़ पे चढ़ गए। अरे तो चुंगी लेबे वाला है। जकई नीचे उतर, काहे कि आज हमरा तोरा घरे ठहरे के हो। हमरा घरे? एकरा घरे कौन ठहरते? जकई यीशु के कैसे जाने छे? सुनाई, हम अपन सारा धन के आधा भाग गरीब के दे देबई। अगर हम केकरो ठगले होबई तो हम ओकरा चार गुना दे देबई। हम ना मान सकली कि तू ही लेने वाला पैसा वापस करे छे। विश्वास ना होई छे। आज ही घर में मुक्ति अलई है। यह आदमी इब्राहिम के वंश से है। हम खोई सबके ढूंढे और ओकरा मुक्ति देवे अलिय। सुन, हम यरूशलेम जायत हतियो, जहाँ जो कोई भी भविष्यवक्ता हमारा लागी लिखल है वो पूरा होते। हमरा दूसर जाति के हाथ में सौंपल जत। वो हमरा मजाक उड़त, हमरा अपमान करत, हमरा पर थूकत, कोरा लगत और मार देत। लेकिन तीसरा दिन हम जी जबऊ। जबकि प्रभु यीशु मसीह जानते रहले कि उ मारल जतै, फिर भी उ पक्का इरादा से यरूशलेम के ओर जायत रहलै। दुगो चेला के गधा लावे लागी भेजलै। जब उ सवारी करते रहलै तब लोग सब ओकरा राजा मान के परमेश्वर के स्तुति करे लगलै। जी, अपना चेला सबके आगे दें कि वो सब शांत रहता है। हम कहै छी कि अगर ई चुप रहतौ तब ई पत्थर चिल्ला उठतै। स्वर्ग में शांति होतै, प्रभु की महिमा होतै। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के नज़दीक जब पहुँचल
ओकरा देखले और रोए लगले। ऐसन होती है, काश अगर तू शांति के रास्ता जान लेते पर तू न देख सकले। उ दिन अतौ जब तोहर शत्रु तोरा चारों तरफ से घेर लेतौ और लगातार तोरा पर हमला करत रहतौ। यह दीवाल के बीच में तोरा तबाह कर देतौ, तोहरा और तोरा बच्चा के भी, और उ सब पूरा शहर के बर्बाद कर देतौ, काहे कि तू मसीह के न पहचान ले। यरूशलेम के पवित्र मंदिर आराधना के स्थान होए के जगह पे व्यापारी के जगह बन गए रहले। हमर घर प्रार्थना के घर होतौ, तू सब एक डाकू के खो बना दिले। ये हमर जानवर के भगा रहल है, रोकै ओकरा, रोकै ओकरा। यीशु के प्रति कुछ राजनीतिक और धार्मिक अगवा के विरुद्ध बढ़े लगले, काहे कि लोग यीशु के राजा माने लगले रहले। हम तो सुनलिए कि कई लोग ओकरा राजा माने लगले है। राजा? भिखारी, वेश्या और चोरों के राजा, ओकरा जैसन हम बहुत देख लिए। आई छै अपना दावा करै छै, सब लोग ओकरा भूल जाए छै। अनजान ना बने, हर रोज ओकर लोग बढ़ रहल है, लोग ओकर इज्जत करै छै और सोचे कि वो राजा है। हम तोरा चेता रहल हतियो, अगर ये आदमी और शांति भंग कर रहल हो तो ओकर जिम्मेवार तू होबे। शायद ही ठीक है छौ, ओकरा रोके के समय आ गले। दिन प्रतिदिन यीशु धार्मिक अगवा सबके खिला ई कह के प्रचार करे लगले। ई नियम के प्रचार तक करै छै लेकिन उ खुदे ओकरा पे न चले से। मंदिर में प्रभु येसु एगो विधवा के दुगो तांबा के सिक्का के दान करते देखले। ई बहुत काम है, ज्यादा ना दे सकले। हम कहत हतियौ, ई गरीब विधवा सबसे ज्यादा दान देले ह, काहे कि दूसरा अपना बहुत ज्यादा में से कम धन देलौ ह, मगर ई गरीब विधवा अपना सब दे देलकै ह, जो एक राज्य के लागी रहले र। हमरा बताओ, तोरा ये सब कहे के की अधिकार हो? कौन दिल को तोरा ये अधिकार? हम तोरा से एगो प्रश्न पूछै छियौ, यूहन्ना के बपतिस्मा देवे के अधिकार परमेश्वर दलकै कि आदमी? हम कथी जवाब दिए? अगर बोलबे कि परमेश्वर से तो कहते कि तू यूहन्ना पर काहे ना विश्वास कर ले। अगर हम कहो आदमी से तो भीड़ हमरा पत्थर मारतौ, काहे कि इस सब यूहन्ना के भविष्यवक्ता माने सा। ये अधिकार कहाँ से मिल लो हमरा ना मालूम है। तो हम भी ना बताबो कि ये अधिकार हमरा कौन दिलाओ। एक बार एगो आदमी अंगूर के बाड़ी लगल आई, ओकरा बटैया पर देकर बहुत दिन लागे कहीं चल गेल। जब अंगूर के एक जगह करे के समय अल, तब वो अपन एगो दास के भेजल कि फसल में ओकर हिस्सा ओकरा मिल सके।
लेकिन बटैया ओकरा मार के बेलका देलकै। तब उ दोसर दास के भेजलै, तब बटैया ओकरो मारलै और अपमान करके ओकरा खाली हाथे लौटा देलकै। फिर उ तीसरा दास के भेजलै, लेकिन बटेदार सब ओकरा मार के बगीचा के बाहर फेंक देलै। तब अंगूर बारी के मालिक अपना मन में सोचलै, अब हम कथी करियै, अब हम अपना दुलड़वा बेटा के भेजबौ, जरूरे उ ओकर आदर करतै। मगर बटेदार ओकरा आते देखलै और आपस में कहलै, ई त मालिक के बेटा है, एकरा मार दे तब जायदाद हमर हो जतौ। हमरा और बतो। उ सब ओकरा बाड़ी के बाहर निकाल देलै और मार देलै। अब देखै उ मालिक बटेदार सबके साथ की करतौ। उ आके ओकरा मारतै और अंगूर के बाड़ी दोसर के दे देतै। तो ई वचन का की मतलब है? जो पत्थर राजमिस्त्री निकम्मा मान कर नकार दिलाई, उहे पत्थर सबसे बढ़िया सिद्ध भेलाई। जो कोई ई पत्थर पर गिरते उ चकनाचूर हो जतई। अगर ई पत्थर केकरो पर गिरतई तो ओकरा के पीस के रख देतई। गुरुजी, हम जानै छी कि जो कुछ तू सिखावै छै सब सही है। हम जानै छी कि तू आदमी के जात पर ध्यान न दै छी, मगर आदमी के परमेश्वर के इच्छा सिखवै छै। बोला कि रोमी सरकार के चुंगी देवे के हमरा नियम के अनुसार है कि न है? प्रभु सावधान, तोरा फसावे ला चाहे सौ। हमरा तू एगो चांदी के सिक्का दे। ए पर केकर छाप और नाम है? महाराजा के। तह जो महाराजा के है उ सब महाराजा के दे दही, और जो परमेश्वर के उ परमेश्वर के दे दही। तोरी ई विषय में की उत्तर हो? फिर उ परब नजदीक आलै जब यहूदी लोग सब भेड़ के बच्चा के बलि चढ़ाते रहलै। तब यीशु यहुन्ना और पतरस के पहले भेज दिलकै ताकि उ जाके खाना तैयार कर सकते। दुख उठावे से पहले ई परब के खाना हम तोरा साथे खाय चाहत रहलियौ। हम तोरा कहत हतियौ, परमेश्वर के राज में एकरा मतलब पूरा होय तक एकरा हम न खबौ। धन्य हते तू प्रभु परमेश्वर, संसार के मालिक, जो अंगूर के लत्तर पर फल लगबै छे। एकरा ले और आपस में बांट ले। जब तक परमेश्वर के राज न आतौ तब तक हम अंगूर के रस न पीबौ। धन्य हते तू प्रभु परमेश्वर, संसार के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजबै छे। ई हमर देह है जो तोरा लागी देल जतौ। हमरा याद करे लागी ऐसे कर। ई प्याला हमर खून के द्वारा नया प्रतिज्ञा हो जो तोरा लागी बहाल जतौ। सुनही, जो हमरा पकड़वावे वाला है उ हमरा साथे बैठ के खा रहल है। हमरा मरे के पक्का है, काहे कि उ परमेश्वर ठहरल हो। हाय ओकरा पर जो हमरा पकड़तै। ना हो सकै छै, ना हो सकै छै। प्रभु उ कौन है? कौन है उ धोखे बाज?
तोरा में जो सबसे बड़ा हो वो छोटा बन के रह और अगुआ सेवक के तरह रहते। बड़ा कौन है? उ जो खाए लगे बैठल है या उ जो ओकर सेवा कर रहा है? हाँ, वही जो खाए लगे बैठल है। मगर हम तोहरे बीच में सेवक के तरह बैठल हती हूँ। हमरा सब मुश्किल में तू हमरा साथे रहले। जैसन हमर पिता हमरा राज करे के अधिकार दिलाऊ, वैसे ही ये अधिकार हम तोरा दे छियो। हमरा राज में तू हमरा साथे खाना खेबे। सिंहासन पर बैठ के इसराइल के 12 जाति पर तू राज करबे। तब तक कोई धोखेबाज ना हो। सिमोन, सिमोन, हमरा बात सुन। शैतान तोरा सबके परमेश्वर से मंगलौ हो। जैसे गेहूं के फटकल जाय छे, वैसे तोर विश्वास के परखतौ। हम तोरा लागी प्रार्थना करलियौ हो कि तोर विश्वास न डगमगतौ। जब तू हमरा पास आबे तब भाई सबके हौसला देबे। मालिक, हम तोरा साथे जेल जाय के और मरे लागी भी तैयार। हम कहे थतियो पतरस, मुर्गा के बांध देवे से पहले तू 3 बार इनकार करबे कि तू हमरा न जानै छे। जब हम तोरा बटुआ झोला जूता के बिना भेलियो तो तोरा कुछो कमी भेलौ? नहीं, कोई कमी न होलै। जेकरा पास बटुआ और झोला है ओकरा ले ले, जेकरा पास छुरी न है उ कपड़ा बेच के ले ले। हम कहै छियौ, धर्मशास्त्र में लिखल है कि उ अपराधी के बीच में गिनल जतै। जो भी हमरा बारे में लिखल है उ पूरा हो रहल हौ। प्रभु, यहाँ 2 छुरी है। बहुत है। यीशु से छुटकारा पावे लागी धार्मिक अगवा एगो सभा बुला लई। तब शैतान यहूदा स्कृति में समा गेलै, जो 12 चेला में से एगो रहलै। उ धार्मिक अगवा के साथ मिलके यीशु के पकड़े लागी जाल बिछालै। यीशु यरूशलेम से निकललै और प्रार्थना करे जैतून के पहाड़ पर गेलै। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़वे। यहूदा स्क्रूति 30 चांदी के सिक्का में यीशु से विश्वासघात कर ले। यीशु जानत रहले कि उ घड़ी आ गेले है कि उ इंसान के पाप के लागे अपना प्राण दे दे, और यीशु प्रार्थना करे लगले। हे पिता, अगर तू चाहै से तई दुख के प्याला हमरा से दूर कर, तब भी हमर न तोहर इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु के सामर्थ्य देवे के लेल एगो स्वर्गदूत प्रकट होलै और ओकर पसीना लहू के बड़ा बड़ा बूंद बन के भूमि पे गिरत रहलै। तू कहला सुतई थते, उठ और तू प्रार्थना कर के परीक्षा में ना पड़।
यहूदा, कि तू चुम्मा लेके हमरा पकड़बाबे थाते? प्रभु छुरी से एकरा मार दिए। चल एकरा पकड़ ले। बहुत हो गेलो। चमत्कार। हमरा डाकू समझ के तू तलवार और लाठी लेके आइले हा। हम मंदिर में तोरा साथे रोज रहलियो, लेकिन तू हमरा न पकड़ ले। काहे कि अभी तोहरो समय हो, जब अंधकार के ताकत राज करै छौ। पकड़ ले। एकरा पर ध्यान दो। सिपाही ओकरा पकड़ के आंगन में लेके आले और यहूदी के राजा कह के ओकरा मजाक उड़ावे लगले। राजा के कपड़ा तो देखाई। बताओ अब की होते। तू हमरा बचाइबे महाराज। तू हमरा बचाइबे। ये आदमी भी ईसु के जौड़े रहले। हे बहिन, हम तो ओकरा जानबो न करे। हम दुनू के साथे देख लिए हुआ। हम तो तोहर नौकर हतियौ। की रे, तू तो बहुत बड़का बनते रहले, अब की होलौ? तुहो तो एकरा में से एगो हते। हम ना हतियौ। का बात हो, यीशु के साथे रहले। काहे कि ई भी गलीले से है। ए रहे दई, पता ना तू केकरा बारे में बात करै छे। प्रभु यीशु मुड़ के सीधा पतरस के देखलै। तब पतरस के यीशु के ऊ बात याद आलै, आज मुर्गा के बांध बोले से पहले तू तीन बार बोलबे कि हमरा न जानै छे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करै छी कि तू अपन महानता के अनुसार तू हमरा पर दया कर। प्रभु, जब हमर पूर्वज तोरा खिलाफ गेलौ, तू ओकरा ऊपर गुस्सैले जरूर रहले, फिर भी मगर ओकरा नाश न कर, लेकिन ओकरा क्षमा कर देला। अपना प्यार आ नियम आ विश्वास योग्यता के कारण ओकरा क्षमा कर देला। बोल, तोरा कौन मार लो? हमें सेवा नहीं कर, अब तोरा कौन मारता हो? रुक जो, इसे बंद कर आई, एका सभा के सामने ले आ भाई। चले। यीशु से पूछताछ करे लागी धार्मिक अगुआ ने एगो सभा बुला ले।
हमरा कह कि तू मसीह ता। यदि हम बतइयो तो तू विश्वास न करबे। अगर हम तोरा से प्रश्न पूछबो तो तू हमरा उत्तर न देबे। लेकिन अभी से ही निश्चय सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने ओर बैठबो। तकि तू परमेश्वर के बेटा हते? हाँ हम हतियाउ। कौन बोल सकै छै? कौन अधिकार देने? कौन बोल दोषी? हम खुद अपना कान से सुन लियो कि तू कति कहले। हम एकरा प्लास्टूस के पास ले जेबै। एकरा राजा मिले के चाहे। हाँ हाँ ले चाहे। चल। और यीशु के पिलातुस के पास ले गेलै जो वहां पे रोमी सरकार के राज में शासन करते रहलै। उतना सुबह सुबह तू सब हमरा से की चाहै छै? हम एकरा लोक सब के बेकाते पकड़ ले लियो। मलदिल के बाजार में हुड़दंग मचा देलकै। एकर सजा कति होतै? एकरा दंड दहो। हम ई आदमी में दंड देवे के कोई अपराध ना पावै छियै। हम एकरा दोषी पलिया हुआ। रोमी महाराज के चुंगी देवे लागी सबके मना करै छै। मसीह होवे के दावा करै छै। और राजा भी। राजा कि तू यहूदी के राजा हते? तू खुद दे कहला है। ये सब गलील में शुरू कर ले अब इन्ने भी पहुंच गए। गलील में काई आदमी गलेली है? ऐसन है तो एकरा राजा हेरोदेस के सौंप दई। वो अभी यरूशलेम में न है। एकरा हुए ले जो तू अपने आप के कथी समझै से? तोर चेला सब कहाँ गेलौ? हम तो बहुते जन से सुन लिए कि तू चमत्कार करै से। तू हमरो लागी कुछ कर। राजा जी ई लोग सब के भड़का रहलो और अपना आप के भी। राजा कहै छौ ई आदमी राजा? राजा जी एकरा खूबे मार। भेजो एकरा पिलातुस के पास। एकरा वही समाल लेतो। ई आदमी मरे लेखा कोई अपराध न कर रही। तो हम एकरा कोरा लगवा के छोड़ दे छियै।
ई परब के समय हमरा लागी तू एक आदमी के छोड़े के अधिकार रखता है। हमरा ला छोड़ दे बराबा। और ई आदमी के दंड दही। हाँ हमरा बराबा चाहे। एकरा क्रूस पर चढ़ो। तू एकरा कोड़ा मार। सब जोर जोर से चिल्लाते रहले कि यीशु के क्रूस पे चढ़ा। तब पिलातुस यीशु के मरे के सजा देले। बदले में हत्या और दंगा के लागी बंदी बरब्बा के रिहा कर देवल गेले और क्रूस पे चढ़ावे लागी यीशु के ओकरा हवाले कर देले। तोरा नाम की है? हुजूर हमर नाम सिमोन है। तू एने आ। रस्सी काटई। तू एकरा उठा। आगे चल। हट। नीचे हट। एकरा छोड़। आगे चल चलत्र। हट पीछे हट। यरूशलेम के नारी हमरा ला ना अपना और अपना बच्चा के लागी रो। जब इस सब निर्दोष के साथ ऐसे कर रहल हो तब दोषी के साथ कथी कथी न होता हो। Oh!
पिता एकरा सबके माफ कर रही ई ना जनै छी कि कथी करै छै ई औरो के बचलै ह अब अपने के बचावे तू मसीह है तू अपने आप के बचा ले क्रूस पर से उतरा तू हमरा सामने एक एक को चमत्कार कर यीशु के दुगो चोर के बीच में क्रूस पे लटका दिलकै एकरो साथ सैकड़ों साल भविष्यवाणी जो करल गेल रहलै उ पूरा होलै जरा ई राजा के कपड़ा त देखही रह जाई एका ना मारै हम बतावे छियौ तोरा का कथी करे के हौ चल चिट्ठी डाले छियौ ओकरा माथा के ऊपर एगो तख्ता लटका देवल गेलै जे पर लिखल रहले कि ई यहूदी के राजा है यहूदी के राजा होते तो अपना आप के बचा ले काहे तू तो
मसी हते ना फेरू हमरा और अपना आप के बचा ले। तू परमेश्वर से ना डरे छे, ओकरा वही सजा मिल रहल है जो हमरा मिल रहल है, पर ओकरा कोनो अपराध ना हो। हमरा याद रखियो यीशु, जब तू अपना राज में आइए। हम तोरा से वादा करै छियौ, आज तू वहां रहबे जहां परमेश्वर रहै छौ, हमरा साथे। दोपहर हो गए रहलै और 3 घंटा तक अंधेरा छायल रहलै। और उ मंदिर के पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गेले। हे पिता, तोर हाथ में हम अपन आत्मा सौंपै छियौ। सैनिक के सुबेदार ई सब देखलै और परमेश्वर के बड़ाई करते हुए ई कहलै, परमेश्वर की महिमा होय, ई आदमी सही में धार्मिक रहलै। यूसुफ जो धार्मिक सभा के सदस्य रहलै, जो यीशु के मरे से सहमत न रहलै, पिलातुस से आज्ञा लेलै जो विश्राम के दिन आवे से पहले यीशु के लाश के कब्र में रख देवल जतै। हम प्रभु के लाश के लेप लगावे लागी मसाला तैयार करैले। हमहु तोहर सहायता करबौ, लेकिन चलै, श्राम के दिन शुरू होय वाला हौ। उ सब घरे गेले और मसाला तैयार कर ले। विश्राम के दिन के बाद और रविवार के भोरे भोरे उ सब मसाला लेके कबर पे पहुंचले और उ देखले कि कबर पर से पत्थर लुढ़कर रहले और अंदर जाके उ सब देखले कि प्रभु यीशु के लाश वहां पे रहबे न करले। Thank you.
जिंदा के मरल में काहे ला खोजै छै? उ तो एन्ने ना है, उ तो जिंदा हो गेले। तोरा याद ना हो गलील में की कहते रहले कि उ पापी के हाथ में सौंप देवल जतौ, क्रूस पर टांगल जतै और तीन दिन के बाद जिंदा हो जतै। मगर हम प्रभु के लाश ना है। अरे प्रभु के लाश ना है? दुगो स्वर्गदूत हमरा दिखलाओ, एकदम सफेद सफेद सूरज जैसन, और हमरा से ई कहलाई तू जिंदा के मरल में काहे खो जैसे, ई सच्चे हो? विश्वास करई, विश्वास करई। हम ओकरा देखलियो, तू खुदे वहां जाके देख ले, कबर खाली रह लो, हम प्रभु वहां ना हो। पतरस तू तो हमरा पे विश्वास करही। प्रभु यीशु दूगो चेला के सामने प्रकट होलै और उ दुनु खुश होके अपना साथी के पास गेलै। प्रभु सच्चो में जी उठलै है, उ पतरस के दिखाई देलै। जब हम रास्ता में रहले ना पहचान पैले, मगर रोटी तोड़े पर हम ओकरा पहचान ले लियो। एमोस नगर उ अन्ने कैसे पहुंच गेलै? तोरा शांति मिलता हूँ। तू परेशान कहला हते, तोरा मन में शंका कहला उठाई सौ। देखई हमर हाथ और हमर गोर, और जान ले कि हम ये हतियो, हमरा छुईबे त जानबे। जैसे हमरा में है वैसे आत्मा में हड्डी और मांस ना होई छै। हम इहे बात तक कहत रहलि जब हम तोरा साथ में रहलियौ। हमरा बारे में जो कुछ नियम भविष्यवाणी और जो भजन संहिता में लिखल रहलै पूरा होतै। इहे त लिखल है कि मसीह के दुख उठावेला है और तीसरा दिन मरल में से जी उठतै, ओकर नाम से मन फिरावे और पाप के माफी के संदेश यरूशलेम से सारा दुनिया में प्रचार करल जतै। तू इस सब बात के गवाह हते। हम खुद ओकरा तोरा पास भेजबो जो पिता तोरा से वादा करलौ ह, स्वर्ग से सामर्थ पावे तक तू यरूशलेम में ही इंतजार करिए। परमेश्वर तोरा आशीष देतौ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमरा देवल गेलौ ह, एहे लागी जो और जाति जाति लोगों के चेला बनाबही, ओकरा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे, और जो जो बात के हम आज्ञा देलियौ ह ओकरा सबके माने के सिखा। और सुन, हम दुनिया के अंत तक तोरा साथे रहबौ। आमेन। सालों पहले भविष्यवक्ता लिखले रहलै कि परमेश्वर पापी के बचावे लागी और ओकरा अपना साथ मेल मिलाप करे लागी मसीही के भेजतै।
यीशु के जीवन बतावे से कि उ सचमुच में उद्धार करता है जेकरा परमेश्वर भेजे लागी वादा करले रहले। यशाया भविष्यवक्ता लिखले रहले कि एगो कुंवारी गर्भवती होतै और एगो बेटा के जन्म देतै और ऐसे होले। परमेश्वर के शक्ति से मरियम जो कुंवारी रहले उ गर्भवती होले और यीशु के जन्म देले। जैसन कि पवित्र शास्त्र में लिखल रहले ओकरा अद्भुत रीति से जन्म और एगो निशान रहले जो ई दिखावे से कि उ मसीह है जेकरा परमेश्वर अपना बेटा कहे से। जब लोग यीशु के देखले तो उ परमेश्वर के चरित्र और शक्ति के देखले। उ लोग सबके चंगा करले और ओकर पाप के माफ करले। उ लोग सब से वादा करले कि अपना राज्य में ओकरा जगह देतै। यीशु अपना लोग सबके बलिदान देले और लोग सबके सजा खुद अपने सह लेले। फिर उ जी उठले और साबित करले कि ओकरा शक्ति मरे से भी ज्यादा है। यीशु जो मसीह रहले उ कहत रहले कि ओकरा पास अपना जीवन देवे के और लेवे के भी शक्ति है। यीशु के जीवन उ सब पूरा करले जो भविष्यवक्ता लिखले रहले और साबित करले कि परमेश्वर के वचन पूरा पूरा सच्चो है और अनंत है। यीशु परमेश्वर के वचन है और यीशु के द्वारा परमेश्वर अपने आप के लोग सब पे प्रकट करे से। यीशु आदमी सबके भरपूर जीवन देवे आले। जैसन आदम और हवा के पास में रहले जब परमेश्वर ओकरा बनाले रहले मगर उ परमेश्वर पर विश्वास न करले और ओकरा आज्ञा न मानले। धर्म शास्त्र में लिखल है कि सब आदमी पाप करले ह और पाप के परिणाम मौत है। जे सब पाप करे से उ परमेश्वर के साथ संगति न कर सके से। जैसे कि परमेश्वर अब्राहम के बेटा के जगह पर मरे लागी एगो भेड़ के देले ओसहिए परमेश्वर यीशु के आदम के वंशज के जगह पर मरे लागी भेजले। उ ऐसन ई चलते करले कि जो कोई यीशु पर विश्वास करतै परमेश्वर के संगति में आ सकले ह। इहे लागी जो यीशु के पीछे चले सब उ पाप के सजा से छुटकारा पतौ और हमेशा उ परमेश्वर के साथ रहतौ। जब यीशु जिंदा होले तो उ अपना चेला सबके कहले दुनिया भर में हमर नाम से ई प्रचार करल जतै कि जो मन फिरावे से परमेश्वर ओकर पाप के क्षमा करतौ। यीशु ई भी कहलौ कि परमेश्वर अपन आत्मा के भेजतौ जो ओकरा माने वाला पे सत्य प्रकट करतै और परमेश्वर के रास्ता पे चले के शक्ति देतौ। जब एगो पापी औरत मन फिरा के यीशु के पीछे चले लगले तब यीशु कहले कि ओकर पाप क्षमा होलो और उ अपना विश्वास के द्वारा बचाल गेले। यीशु कहले जब लोग सच में परमेश्वर से प्यार करे से एकर सबूत ई है कि परमेश्वर ओकर पाप के माफ कर देले। यीशु सब लोग के अपना पीछे चले ला बुलावे से। जे यीशु के पीछे चले लागी तैयार है उ यीशु के साथ ई कह के अपना रिश्ता जोड़ सकले ह। हे पिता परमेश्वर तू धर्मी हत हम तोरा धन्यवाद करे से कि तू हमरा से प्यार करे से और हमरा पछतावा हो से कि तोहर आज्ञा के न मान लिया और तोरा विरुद्ध हम पाप कर लिया। हम तोहर धन्यवाद करे से कि तू यीशु के हमरा बदले क्रूस पे मरे लागी भेज देला और 3 दिन पे उ जिंदा होले। हम धन्यवाद दे से कि उ हमर पाप के सजा के अपना ऊपर ले लेलकौ। हम तोहर रास्ता पे चले ला चाहिसियो और यीशु के अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करे के चाहिस। हम तोहर धन्यवाद करे से कि तू अपन पाप के क्षमा करला और अपन राज में हमेशा रहे लागी दरवाजा खोल दिलिये। हम विनती करे से कि तू अपना पवित्र आत्मा हमरा दे ताकि उ हमरा साथे रखे तोहर रास्ता हमरा दिखा सके। उ हमरा शक्ति दे कि हम तोरा पूरा दिल से प्यार करियो और हम ऐसन जीवन जीवो कि तू हमरा से खुश रहबे और हर जगह तोहर स्तुति होता। आमीन। जो यीशु के पीछे चले से यीशु ओकरा बारे में कहले हमरा भेड़ सब हमरा आवाज सुने से और जाने से और हमरा पीछे चले से। यीशु के माने वाला सब आपस में मिले से और रोज प्रार्थना करे से और ओकर वचन के सीखे से और दूसरा सबके ओकरा बारे में बतावे से। यीशु ओकरा सबके पवित्र आत्मा के द्वारा रास्ता दिखावे से।
यीशु के माने वाला उ सब बात के याद रखै छै जो यीशु स्वर्ग में उठाए जाय के समय कहले रहले कि परमेश्वर ओकरा आकाश और पृथ्वी के सारा अधिकार दे देले और उ हमेशा अपना माने वाला सबके साथे रहतै।